हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह, आई एम फ्रॉम यंग स्टार डिफेंस एकेडमी अमृतसर पंजाब। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या हमारे जितने भी मतलब जो एकेडमी में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या आप उनका कुछ मतलब ऐसे गारंटी वगैरह देते हो कि पक्का पास हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इंडिया में पूरी अकेले यही एक अकेडमी है जो आपको 100% गारंटी देती है, ठीक है। और किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए और इसके बारे में इंफॉर्मेशन के लिए आप जो नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। देखो, हमारा बिल्कुल क्लियर कट मतलब होता है कि हमने बच्चों को कोई स्कॉलरशिप नहीं प्रोवाइड करते, हम उनको गारंटी प्रोवाइड करते हैं कि हाँ, इनका एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। और हमारे पास बहुत ज़्यादा बच्चे भी नहीं होते हैं, टोटल जो हम बच्चों को रखते हैं वो 20 होते हैं, ठीक है। मतलब जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ही उनका सिलेक्शन होने का चांसेस कम होगा, जितने कम बच्चे होंगे उतना ही उनका सिलेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा होगा, उतना ही हम उन पर फोकस ज़्यादा कर सकते हैं। और कम बच्चे होने की वजह से हम हर किसी को ये कह सकते हैं कि हाँ, वो सिलेक्ट हो जाएंगे, ओके। और इसके रिगार्डिंग कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हमारी जो ऑनलाइन है ऑफलाइन है। अच्छा, कई बोलेंगे भाई कि जो ऑनलाइन में भी क्या ऐसे करते हो आप। वेल, देखो, ऑनलाइन में क्योंकि बच्चा हमारे पास रह नहीं रहा होता तो हम उसे देख नहीं पा रहे होते कि वो पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। जो ऑफलाइन में हमारे पास बच्चे रहते हैं सिर्फ उन्हीं को हम बोलते हैं कि हाँ, ये पक्का इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जो ऑफलाइन है वो पढ़ाई तो सेम ही होती है, जो हमारी क्लास है अभी ऑफलाइन चल रही होती है हम उसी को कैमरा लगा के ऑनलाइन कर देते हैं, ठीक है। तो एजुकेशन में तो कोई फ़र्क नहीं होता, पर यह कि घर में आपको देखना पड़ेगा कि आपको उसको मॉनिटरिंग करना पड़ेगा कि भाई जो इतना कराया था उतना उसने किया है या नहीं किया है, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और जो हमारे पास रहते हैं उनकी पूरी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनको देखना कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, कितने क्वेश्चंस बनाए हैं कितने नहीं बनाए, और प्रॉपर तरीके से सुबह से शाम तक सारा रूटीन बना होता है। कोई उसमें ये नहीं होता कि अभी आज ये किया है। प्लस हमारे दो तीन टीचर होते हैं, तो ज़्यादा टीचर नहीं होते मेरे पास, ऐसे नहीं कि बहुत सारे लोग पढ़ा रहे होते हैं। मैं अकेले ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, ओके, इंग्लिश। प्लस मेरे को हेल्प करने के लिए मैम चाहिए होते हैं, ताकि क्योंकि बाकी सारे भी काम होते हैं, तो जो बाकी काम होते हैं वो भी मुझे ही करने पड़ते हैं, तो इसलिए पढ़ाने के लिए ज़्यादातर जो मैथ है वो बाकी टीचर पढ़ाते हैं। प्लस मैं चेक कर लेता हूँ कि जो उन्होंने कराया है वो ठीक है और जो बच्चे हैं वो उसको उतना कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं खुद ही कराता हूँ उनको, ठीक है। इससे क्या होता है कि बच्चों को आदत लग जाती है, एक्चुअली सभी की बात बच्चे सुनते नहीं हैं। अगर मतलब कोई एक टीचर को पढ़ा रहा है ना, तो उनको लगता है कि हाँ, बस ये पढ़ाएगा तो मैं कर लूँगा। तो उस हिसाब से बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा टीचर लगाने का कोई मुझे बेनिफिट लगता नहीं है। फिर वो हर किसी के साथ इतना मतलब अटैचमेंट बना नहीं पाते या हर किसी की बात को ठीक से समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो टोटलिटी यही है। बाकी आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ऑनलाइन भी क्लासेस चलती है, ऑफलाइन भी क्लासेस चलती हैं, और उसके रिगार्डिंग आप इस दिए हुए नंबर पे फ़ोन करके पता कर सकते हैं, ठीक है। और जो सिर्फ ऑफलाइन है बस वही हम मतलब आपको कह सकते हैं, 100% गारंटी दे सकते हैं। बाकियों की कोई मतलब ऑनलाइन भी लगा सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं होता। प्लस हमारे पास कोई हम अभी फ़िलहाल में तो कोई स्कॉलरशिप वगैरह ऐसा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, जैसे कई लोग होते हैं स्कॉलरशिप बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी ठीक है। पर मैं ऐसा अभी के हिसाब से तो नहीं कर रहा, बात का तो मुझे पता नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच।